हेलो, वेलकम टू माय फूड चैनल अम्मी का जायका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो आइए आज बनाते हैं मेरे स्टाइल में कोफ्ते, बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम कीमा लिया है, जिसे मैंने करीब 15 मिनट पहले धोकर रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्रेन हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है, क्योंकि जितना बारीक कीमा हमारा पिसा होगा कोफ्ते हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। अब ये मैंने इसके लिए एक छोटे साइज़ का अनियन, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें ऐड करेंगे। ये करीब 2 टेबल स्पून अनियन है। टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब ये मैंने एक छोटे साइज का प्याज, जिसे इस तरह से ब्राउन मैंने फ्राई कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कोफ्तों में। अब ये करीब 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे ये बेसन, जिसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। बेसन जो है हमारे कोफ्तों में बाइंडिंग का काम करता है। अब ये हमारे पाउडर्ड मसाले, जिसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और ये करीब 1 टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर, ये इसमें ऐड करेंगे। अब ये इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर और ये 2-3 मैंने ग्रीन चिली ली हैं, जिसे बहुत अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। और ये सब ऐड करने के बाद इसको सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने इसमें करीब 1 टेबल स्पून लिया है ये घी। आप जब भी कीमा लें तो आप उसके साथ जो मटन फैट होता है वो ज़रूर ऐड करा लें, क्योंकि उससे जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसमें घी का यूज़ करती हूँ। अब ये मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई और ये देखिए, ये मैंने इसके छोटे छोटे से ये इस तरह से कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये एक पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट कर लिया है, जिसमें ये 2 बे लीफ और ये 1 ब्लैक कार्डमम डाला है और इसको 2-3 सेकंड इस तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये करीब 2 टेबल स्पून अनियन पेस्ट है, ये ऐड करेंगे। और इसको इस तरह से थोड़ा सा इसको पका लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये एक मैंने ये छोटे साइज का टमाटर लिया था, जिसकी ये प्यूरी बना ली है, इसको भी ऐड कर देंगे उसमें। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ये टर्मरिक पाउडर, ये करीब 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें ये कोरिएंडर पाउडर, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ये
ये मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ना ऐड करें, इससे बस कलर बहुत अच्छा आ जाता है ग्रेवी का, इसलिए इसको ऐड करते हैं। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, क्योंकि कोफ्ते का जो पेस्ट बना है, जो कोफ्ते हमारे हैं उनमें भी नमक है। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ये गरम मसाला, गरम मसाला करीब ये हाफ टी स्पून मैंने यूज़ किया है। अब ये जो हमारे पास ये फ्राई करी हुई ये जो प्याज थी, ये मैंने थोड़ी सी बचा ली थी उस टाइम, अब ये इसमें क्रश करके और इसको डाल देंगे। और ये करीब ये 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें दही, ये बिल्कुल फ्रेश दही है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए इस मसाले को रख देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके, और इसको ढककर करीब 20 मिनट तक इसे हम पकने देंगे, ताकि हमारे मसाले जो अच्छे से पक जाएं और उनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए करीब 20 मिनट हो गए हैं और हमारे मसाले अच्छे से सब पक गए हैं, ये बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे कोफ्ते थे, ये एक एक करके ये जितने कोफ्ते हैं ये इसमें सब एडजस्ट कर देंगे बहुत आराम से, बस ये हमें बहुत ही आराम से करना है इस तरह से। आप चाहें तो ये कोफ्ते फ्राई करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मुझे फ्राई करके डालना नहीं पसंद है, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, क्योंकि जो कीमे का एक टेस्ट होता है वो भी इसमें हमारी ग्रेवी में आ जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर फ्राई करके इसमें डालना चाहें तो आप फ्राई करके डाल लें। इस तरह से मसाले में सारे ये जो हमारी ग्रेवी थी उसमें सारे कोफ्ते मैंने ये सब सेट कर दिए हैं, और इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी इसमें स्पून नहीं चलाना है। इसको करीब 10 से 15 मिनट तक इसे हम ढक कर बिल्कुल पकने देंगे, थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे ढक कर पकने देंगे, और बिल्कुल भी इसे हिलाना इस टाइम पर नहीं है, वरना हमारे कोफ्ते जो हैं वो फट जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से हल्का सा इस पैन को हिला दें ताकि ये एडजस्ट हो जाए ठीक से। अब ये देखते हैं, आइए देखते हैं, ये हमारे करीब 20 मिनट हो गए हैं, ये हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए होंगे। ये देखिए, ये अब इसको धीरे धीरे से, ये जो हमारे कोफ्ते हैं इनको धीरे धीरे से इस तरह से किसी स्पून से हम पलट देंगे, ये बहुत ही अच्छे पक गए हैं, बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गए हैं अंदर तक। और जो इस तरह से आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगी कोफ्ते तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसमें मैंने 3-4 रेड चिली, ग्रीन चिली डाल दी है, और इसको अब हम सर्व कर लेंगे किसी डिश में। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे कोफ्ते हमारे बन के सॉफ्ट एंड टेस्टी तैयार हो गए हैं, और मैंने इसे ये थोड़े से ये अंडों के साथ इसे गार्निश किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप इस तरह से इन्हें गार्निश करें, अदरवाइज़ इसे स्किप कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।